नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोंडा बहराइच रेल मार्ग पर रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज पास पर जल भराव होने से आवागमन बाधित। आपातकालीन एम्बुलेंस व छात्राओं को विद्यालय ले जाने वाली वैन सहित आधा दर्जन बाइक सीज। मामला गोंडा बहराइच रेल मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा बहराइच हाईवे पर स्थित शिवा सिंह पुरवा में गंगवल मार्ग पर मानव रहित रेलवे कास्किंग चौसार पर पिछले वर्ष रेलवे में अंडरब्रिज बनाकर क्षेत्रवासियों के सुविधा आवागमन बनाया था, परंतु आवागमन बहाल होने के कारण पूरी तरह आवागमन बाधित हो गया। आज सुबह 8 बजे एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने पंडितपुर व चरास जा रही थी कि कमर भर पानी बीच जाकर रुक गई। बाद दोपहर तक चालक परेशान रहा, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वहीं शाम राजेश शिवराज सिंह इंग्लिश मीडियम मुडेरवा ट्रेन की गाड़ी सहित आधा दर्जन बाइक सीज हो गई। आवागमन पूरी तरह बाधित है। ग्रामीणों में जमकर आक्रोश मना हुआ है। जोर से बोलो। रामपाल सिंह। किस गांव के निवासी हो? चैसार के। ये जो रेलवे अंडरब्रिज बनाया गया है यात्रियों मतलब ग्रामवासियों के आने जाने के लिए सुख सुविधाएं जो शासन द्वारा मुहैया की गई है, इससे क्या परेशानी है? इसमें परेशानी है कि पानी भरा रहता है, लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। और औरतों को और बहुत दिक्कत होता है। तो ये पानी कब भरा रहता है? भरा रहता है हमेशा। नहीं, कई दिनों से रास्ता बाधित है। 8 दिन से तो बिल्कुल बंद है। इस पे आप लोगों ने कार्रवाई कुछ किया? सूचना किसी को दी? कार्रवाई रेलवे से की निकाल रहा, लेकिन वो शायद नहीं बनाए। अब फिर सूचना दी जा रही है रेलवे को? सूचना दी जा रही है, लेकिन रेल प्रशासन रेलवे अधिकारियों द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। सुनता है कोई? नाम है आपका? जगदीश सिंह। क्या नाम है भैया? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह, किस गांव के निवासी हो? गाँव का। ये रास्ता आपका गांगुर देवर और मुडेरवा ठपराइन एक है जी? एक है। ये जो अंडरब्रिज आपका बनाया गया है रेलवे द्वारा, इससे आप लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं हो रही है? पानी का दिक्कत है, भर जाता है। कितना पानी भरा हुआ है? कम से कम 2.5 फीट। 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। गाड़ी कई सीज हुई है? कम से कम 5-6। 5 गाड़ी सीज हो गई। आप गाड़ी किस तरह निकाले हैं? किसी तरह निकाले, पैदल। अच्छा,